आप लोग को लाइक क्लैरिफाई करी थी। सबसे पहला और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कंस्ट्रेंट, द कंस्ट्रेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ ई क्यू एन एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होएगी उस पर एम की अलाउड वैल्यूज डिपेंड करती हैं। एंड द टोटल डिफरेंट एम वैल्यूज विच आर पॉसिबल फॉर एनी एल वैल्यूज आर 2l+1, और किसी भी पर्टिकुलर एन के लिए द नंबर ऑफ एल वैल्यूज आर इक्वल टू एन, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to एंड एंड्स एट n-1, 0 to n-1, राइट? एल की वैल्यू इसमें डिपेंड करे, इस पे रहेगा, ये रहेगा, और एम की वैल्यू फिर कहाँ रहेगा? हर एल के लिए डिस्टिंक्टिवली रहेगा, एंड दैट विल बी फ्रॉम माइनस एल वैल्यू टू प्लस एल वैल्यू इंक्लूडिंग 0। देयर आफ्टर द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच आई टोल्ड दैट डे वॉज, ये डिफरेंट एम वैल्यू जो है दे आर एक्चुअली इंडिकेटर ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, ठीक है, और सॉरी डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। दैट मींस इफ आई एम सेइंग 3d, तो 3d इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि d की वैल्यू 2 है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है, डी डी का एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है, एंड देयर फॉर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन। सो डी ऑर्बिटल इज गोइंग टू बी ओरिएंटेड इन 5 डिफरेंट डायरेक्शंस, एंड या ऑल द ऑर्बिटल्स आर, दो दे आर ऑफ सेम इन, आई मीन ऑल द ऑर्बिटल्स, ऑल द 3d ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू बी ऑफ सेम एनर्जी, सेप एंड साइज, ठीक है। साइज कौन सा नंबर बताता है हम लोगों को, साइज क्या होगा इन तीनों क्वांटम नंबर में से, विच क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द साइज ऑफ द ऑर्बिटल? हेलो, एन एन, राइट। 3D के लिए, सॉरी ऑर्बिटल्स के लिए प्राइमरली एन प्लस एल की वैल्यू साइज ऑफ द ऑर्बिटल बताती है, या एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। और अब जिसका एन वैल्यू बड़ा होगा उसका साइज जनरली बड़ा होता है, अगर कैरेक्टर या टाइप ऑफ ऑर्बिटल सेम है, मतलब 3D और 4D में 3D इज गोइंग टू बी स्मॉलर, 4D इज गोइंग टू बी लार्जर। 4p 5p में 5p इज गोइंग टू बी लार्जर, 4p इज गोइंग टू बी स्मॉलर, ठीक है। 3p और 3d में कौन बड़ा होगा? 3p 3d में 3d इज गोइंग टू बी लार्जर कंपेयर टू 3p, ठीक है। अगर n बराबर है तो l जैसे जैसे बढ़ेगा साइज बढ़ता है, इज इट ओके? ये चीजें भी अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, बट इन जनरल ऐसे ही मतलब होता है कि एनर्जी या साइज जो होता है वो एन प्लस एल के वैल्यू पर डिपेंड करता है। एंड और शुरू में भी लिखवाया है मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ही, अलोंग विथ एम एल इज द, सॉरी अलोंग विथ एल एन इज द डिटर्मिनेंट ऑफ साइज एंड एनर्जी और एवरेज सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस। सो दैट वॉज इट। एंड थ्री, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 3D, देर आर गोइंग टू बी 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स, एंड ऑल दीज ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू बी ओरिएंटेड डिफरेंटली इन 3D स्पेस, ठीक है। 3D स्पेस में ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स, सारे के सारे मतलब एक कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल जितने भी होंगे वो सारे डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होते हैं, बाकी उनकी एनर्जी और साइज एग्जैक्टली बराबर होती है, इसलिए इनको हम लोग
डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स आर इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स हैविंग सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड सेम एजीमुथल क्वांटम नंबर बट हैव डिफरेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देयर बाय हैविंग डिफरेंट थ्री डायमेंशनल ओरिएंटेशन नाइदर आई मीन देयर साइज शेप्स आर एग्जैक्टली सेम देयर साइजेस आर एग्जैक्टली सेम द ओनली थिंग इज दे आर डिफरिंग इन ओरिएंटेशन इन स्पेस, ठीक है। एक अब डिपेंडिंग अपॉन कि वो कैसा दिखता है इट कैन बी, ठीक है। एम आई मेकिंग सेंस? थ्री डी एक्स वाई, थ्री डी वाई जेड, थ्री डी एक्स जेड, थ्री डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड देन फाइनली यू हैव थ्री डी जेड स्क्वायर, राइट। यही पास थे ना, रिमेम्बर? ठीक है। सो लेट मी पुट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डीजेनरेटेड। वैसे तो ऊपर लिख दिया है लेकिन जस्ट यहां पर दस डीजेनरेटेड orbitals equal energy orbitals having same PQN and AQN values but different M due to different orientation in space. ठीक है। Once we are done with this, we have understanding of degenerated orbital. We should be able to know few more things like how many degenerated orbitals will be possible for any principal quantum number or any azimuthal quantum number, the way to calculate it, theek hai, mathematical way to deal with it.
एंड आई थिंक ये जो मैंने समझाया था, ये वाली चीज ध्यान है आप लोगों को, ये सारी चीजें जो नंबर्स लिख के समझाए थे, इट वाज समथिंग रिलेटेड टू स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट ना? रिमेम्बर? यस द जीमेंस एंड स्टार्क इफेक्ट, उसके ऊपर में ये वाले एग्जांपल्स मैंने बिल्ड किए थे कि हाउ द थिंग्स गेट और व्हाट हैपेंस एक्चुअली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, वो कैसे एक सिंगल लाइन तीन डिफरेंट लाइंस में ब्रेक हो जाता है या पांच डिफरेंट लाइंस में ब्रेक हो जाएगा. ठीक है ना, यही बताया था ना मैंने. देखो, अब एक्चुअली ऐसे कुछ इसमें क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से पूछ लिया जाता है कभी कभी, जैसे डी से अगर कोई जंप कर रहा होगा, किसी भी डी लेवल से जंप कर रहा है, तो इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक्चुअली कितने एनर्जी ऑर्बिटल्स, सॉरी एनर्जी लाइंस देगा? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, वो कितने डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन से मीट करेगा अगर जंप 3D से 2P पे कर रहा हो तो, या 3D से, हाँ, 3P पे 2P पे कर रहा हो तो, 3D से 3P पर भी कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है. एनी आइडिया? 3D से 3P या 3D से 2P पर अगर जंप कर रहा है, तो हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस डू यू एक्सपेक्ट? देखो, किसी में भी अगर मैग्नेटिक वाला या इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है, तो सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहेगी, तो सारा 3D ऑर्बिटल सेम रहेगा और सारा 3P ऑर्बिटल सेम रहेगा. बात समझ में आ रही है? या सारा 3D और सारा 2P का एनर्जी वैल्यू तो सेम रहेगा, तो दोनों ही केसेस में यू आर जस्ट गोइंग टू गेट वन लाइन. इज इट ओके? और इसमें भी एक ही लाइन मिलेगा, एक ही वेवलेंथ मिलेगा, बट द मोमेंट यू अप्लाई एन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, व्हाट विल हैपन? दीज फाइव थिंग्स विल डिफरेंट, सॉरी, बिहेव डिफरेंटली. पांच अलग अलग बिहेवियर इसके अंदर और तीन अलग अलग बिहेवियर इसके अंदर आ जाएंगे, राइट? सिमिलरली पांच अलग अलग बिहेवियर यहाँ, तीन अलग अलग बिहेवियर यहाँ, इधर पांच अलग अलग लेवल्स आ जाएंगे और इधर तीन अलग अलग लेवल आएंगे, तो ये तीन तरीके से तीन लाइंस देगा, ये वाला भी तीन देगा, सो यू विल हैव इन बोथ ऑफ द केसेस, यू विल हैव हाउ मेनी लाइंस? हाँ जी, कितने होंगे? हाँ, तो इट विल बी 15 लाइंस, 15 डिफरेंट लाइंस जो कि यहां से हमको मिलेंगी. अब मान लो इस तरीके से, तो ये एक बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसको कि पूछा अभी तक पूछा नहीं गया है. अभी तक जिस चीज पर जनरली डिस्कशन, अभी तक जिस लेवल तक चीजें पूछी गई हैं, वो यही है कि यहाँ पर लाइक मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में 3D ट्रांजिशन कितने डिफरेंट लाइंस देने के कैपेबल है. 3D ट्रांजिशन यानी 3D में रहने वाले ऑर्बिटल्स कितने डिफरेंट ये में स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये पांच में स्प्लिट कर सकते हैं और इसकी एबिलिटी होगी तीन में स्प्लिट कराने की. अब यहां से यहाँ ट्रांजिशन अगर होता है, तो टोटल कितने स्प्लिट होंगे या कितने डिफरेंट रेडिएशंस मिलेंगे? 15 डिफरेंट रेडिएशंस सर मिलेंगे. एक बार रिपीट कीजिए, मैं डिसकनेक्ट हो गया था। हाँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ
कि जैसे 3D अगर है मेरा, तो 3D के सारे ऑर्बिटल्स जो होंगे पांचों, उन सब की इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी सेम रहेगी। सिमिलरली 3P के जो तीन होंगे उनका भी एनर्जी सेम रहेगा, ठीक है? तो 3D से 3P में अगर जंप हो रहा है हमारा, तो इट विल ऑलवेज बी अ सिंगल लाइन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? लेकिन द मोमेंट वी इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल क्या होंगे, दे विल गेट ब्रोकन डाउन इनटू 5 डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स। सबकी अलग अलग एनर्जी हो जाएगी और इसकी 3 डिफरेंट एनर्जी हो जाएगी। सो यू विल हैव 5 डिफरेंट फॉर 3D एंड 3 डिफरेंट फॉर 3P। तो टोटल कितने लाइंस हमको मिलेंगे, यहाँ पर 3D, यहाँ पर 3P, इससे 3 मिलेंगे, इससे 3 मिलेंगे, इससे 3, सबसे 3 3, यानी 5 × 3 दैट इज 15 डिफरेंट लाइंस आपको मिलेंगे 3D से 3P या 3D से 2P ट्रांजिशन पे, ठीक है? 3D से 3S या 2S ट्रांजिशन होगा तो कितने मिलेंगे, S का चूंकि बाइफरकेशन नहीं है, एक ही होता है, तो यू विल गेट 5 डिफरेंट लाइन। एम आई मेकिंग सेंस? सो 4F से 3P ट्रांजिशन में कितने लाइंस मिलेंगे हम लोगों को, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? हेलो, इन प्रेजेंस ऑफ 21 मिलेगा, इन एब्सेंस ऑफ 1 खाली मिलेगा, बट 21 इन एब्सेंस नहीं मिलेगा, 20, अच्छा, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 मिलेगा। हाँ ठीक है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया क्या, या रिप्लाई करने का मूड नहीं है? नहीं सर, टाइप कर रहा था मैं। अरे आप तो टाइप कर रहे थे, आपका तो मिल गया, बाकी लोगों का क्या चल रहा है? देवांग संदीप, सॉरी देवांग बोल रहा हूँ, अनुश्रेय, नहीं सर, संदीप, मैंने नहीं अंद्रानेश, सेंड किया, हाँ एक मैं ही सेकेंड, टाइप कर रहा था। अच्छा आप टाइप कर रहे हो, ओके संदीप, आपका से रिपीट करो ना। हाँ, मतलब क्या रिपीट करूं? सर क्वेश्चन, अच्छा सर क्वेश्चन, मतलब डायरेक्टली एफ ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल में जा सकता है? हाँ कहीं से कहीं भी जा सकता है, देखो उसमें फ्रीडम है, उसके पास वैकेंसी होनी चाहिए। फ्रीडम आप तभी एक्सरसाइज कर सकते हो ना, जब अगर रूम खाली है तभी आप रूम में एंटर कर सकते हो ना। रूम अगर पहले से, आप कहीं पर भी जाते हो होटल वगैरह में, यू कैन नॉट एंटर इनटू द ऑलरेडी ऑक्यूपाइड रूम, द वैकेंसी हैज टू बी देयर, तो दैट कंस्ट्रेंट, बट डिबारिंग दैट कंस्ट्रेंट, इफ यू आर गोइंग इनटू एन एम्प्टी हॉस्पिटल, सॉरी होटल where none of the rooms are occupied, you are at a very liberty to choose any of the room to get into. Nobody is going to ask or say or control you, यार तुम ग्राउंड फ्लोर पर ही रुको या तुम फिफ्थ फ्लोर पर ही रुको, ठीक है? यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द रूम एंड नोबडी इन द होटल विल एक्चुअली काउंटर क्वेश्चन यू, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो द अवेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इज समथिंग जिसको कि हाँ दैट इज देयर, बट अदरवाइज देर इज नो कंस्ट्रेंट एज सच, इट कैन जम्प फ्रॉम एनी वेयर टू एनी वेयर। सो 4F में से 4P पर जम्प करने में एक इलेक्ट्रॉन कैन क्रिएट हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स, मतलब स्पेक्ट्रल लाइन कितने डिफरेंट इमिट कर सकता है, पहला इन एब्सेंस ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड दूसरा इन प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिस इज ओनली गोइंग टू, आई मीन ऑल द 4f ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू बी ऑफ सेम एनर्जी, ऑल 4p ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू बी ऑफ सेम एनर्जी, एंड देयरफॉर द नेट डिफरेंस इज गोइंग टू बी जस्ट वन सिंगल. ठीक है, जैसे 4f के किसी भी एजीमुथल क्वांटम नंबर से, 4p के किसी भी azimuthal quantum number से in absence of external field अगर jump हो रहा है, तो the energy difference will be same. Therefore, you are going to get only one line. ठीक है, one spectral line मिलेगा. But वहीं in presence of external magnetic field क्या हो जाएगा? In presence of external magnetic field क्या हो जाएगा? They all will split. ठीक है, तो ये वाला कितने में split करेगा? ये 7 में split करेगा और ये 3 में split करेगा. They will have different energies in presence of external magnetic field. And if they are going to have different energy, the combination of energy which they can emit will become 7 into 3, that is 21. Sir, 4p ka 3 kaise? 4p ka kitna hoga? 5 hoga na? 4p का 5 होगा. कैसे? 4d का 5 होगा ना. ठीक है, देखो, इट कैन फॉलो ध्यानेश, इट कैन फॉलो एनी ऑफ द वे. ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि 4f से 4d आए और फिर 4d से 4p आए. इट कैन डू दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन आल्सो, और इट कैन डायरेक्टली जंप फ्रॉम 4f टू 4p. ठीक है, सो जिसमें 4d कंप्लीटली स्किप हो रहा हो, तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप के ट्रांजिशन को कंसिडर किया जा रहा है, accordingly आप लोग को भी number of lines के बारे में predict करना होगा. ठीक है, और 4p में 3 ही होंगे distinct energies, 4d में 5 distinct energies होंगे. ठीक है ना अनुश्रेष्ठ? तो I believe this is clear to you guys. First of all, degenerated orbitals क्या होते हैं? ठीक है ना, degenerated orbitals are something which will be poking you every now and then till we are done with in the chapter of ये chemical bonding में we have to extensively use degenerated orbitals, so you have to be very much clear with it. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, मॉडर्न केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट जो है वो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स को एक्सटेंसिवली डील करते हैं. ठीक है, टोटल 4 थियरीज है हमारे पास, लेविस थियरी, और उसके बाद है वेसेपर एंड वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी. तो वैलेंस बॉन्ड थियरी का मॉडिफिकेशन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल के बाद ही हुआ था, देयर इज समथिंग, और उसके बाद मॉडर्न थियरी. तो इन दिनों में डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स के ऊपर ही डीलिंग है. इट गोज फ्रॉम
एफ टू डी, डी टू पी, हाउ मेनी लाइन्स वुड बी देयर, ये कैलकुलेट करके तुम जल्दी से बताओ ध्यानेश कितने होने चाहिए। ध्यानेश का पूछना है 4f से 4d और 4d से 4p आया तब टोटल कितने डिफरेंट लाइंस मिलेंगे सर, तो ये आप लोग कैलकुलेट करके बताओ मुझे। मैंने d से या f से डायरेक्टली p पर कराया जंप, तो वी वेर गेटिंग 21। नाउ 4f से 4f से 4d और 4d से 4p पर आएगा तो हाउ मेनी लाइंस कैन वी एक्सपेक्ट, हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन वी एक्सपेक्ट इन एब्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली। सर क्वेश्चन क्या है? 4f से 4d, 4d से 4p अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो हाउ मेनी डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स विल वी गेट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। एक सौ पांच, और कैसे कैसे आया तुम्हारा 105? 7 × 5 × 3 कर लिया। हाँ श्रेष्ठ, 56 आ रहा है। देखो 7 × 5 यहां से यहां ट्रांजिशन होएगा तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन होएगा तो 5 × 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी तो हो सकता है, उसको एक्सक्लूड करके रखने के लिए बोला थोड़ी गया है। अगर ये बोला गया है कि ऐसे हो रहा है तो उसमें ये वाला भी इंक्लूडेड रहेगा अंटिल अनलेस 7 × 3 ना, 7 × 3 = 21। हाँ एक्सक्लूसिवली अगर इसके लिए पूछ रहे हो तो दिस विल बी द आंसर। इस ट्रांजिशन में ही कितना होगा और 4f से 4p कंसिडरिंग ऑल द ट्रांजिशंस, मतलब डायरेक्ट वाला इनडायरेक्ट वाला सबको ऐड करके देर आर गोइंग टू बी 71 डिफरेंट लाइंस। 71 ठीक है। Absence of external magnetic field में 3 lines आएंगे, एक line यहाँ से यहाँ, एक line यहाँ से यहाँ, एक line यहाँ से यहाँ, तो total 3 lines ही आएंगे, ठीक है। अच्छा अब ये डिफरेंशिएशन तो मैं बता देता हूँ अगले वाले पॉइंट में, एक पॉइंट और मैं आप लोगों को बता दूं। ये डिफरेंशिएशन इन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये होता क्यों है? क्या ये सारे ऑर्बिटल्स के लिए होता है? हाँ होता तो सारे ऑर्बिटल्स के लिए है, 4f के लिए भी होगा, 4d के लिए भी होगा, 4p के लिए भी होगा, बाय द वर्चू ऑफ दिस थिंग। हाँ बाय द वर्चू ऑफ द डिफरेंट रिस्पॉन्सेस टू एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने या इंजेक्टेड मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसके रिस्पॉन्स में डिफरेंटली ओरिएंटेड ऑर्बिटल्स विल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली, ठीक है, इसी की वजह से प्राइमरली होता है।
degenerated orbitals start behaving differently, or they differentiate with each other in terms of energy differently, right? इसी की वजह से ये different lines मिल रहे हैं हम लोगों को, ठीक है? अच्छा, आगे हाइड्रोजन एटम में एक चीज और मैं बताऊंगा. हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में स्पेशली ये होता है कि ये डिफरेंशिएशन जो होते हैं ये तो पॉसिबल है, इसमें कोई इश्यू नहीं होती है, बट उसमें एक प्रॉब्लम होती है हाइड्रोजन एटम के साथ. जैसे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 4f 4d एंड 4p ऑफ एंड 4s ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिटल, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, तो उनके साथ में प्रॉब्लम ये होता है, खाली एक छोटा प्रॉब्लम ये रहता है कि उनका 4f 4d 4p और 4s इन चारों ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है ना वो सेम रहती है. मतलब ऐसे जनरली अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं कि n प्लस l की वैल्यू के ऊपर हमारा एनर्जी डिपेंड कर रहा है, राइट? बट हाइड्रोजन एटम थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है. उसका 4f 4d 4p 4s चारों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम ही रहती है. They are not called degenerated orbital. They are called equal energy orbitals in hydrogen atom. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है. यानी एल ऑर्बिटल्स के अंदर जो एल ऑर्बिटल एल की वैल्यू डिफरेंट है, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होने पर डिफरेंट एनर्जी लेवल जो मिल रहा है हमको, या डिफरेंट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया और या बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ड्यू टू विच द एनर्जी ऑफ डिफरेंट एल वैल्यू ऑर्बिटल्स आर बिकमिंग डिफरेंट? सो दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम, ठीक है? एक ही अगर इलेक्ट्रॉन है तो फिर देयर इज नथिंग टू डिस्टर्ब इट्स एनर्जी कॉन्फिगरेशन विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, बट द और टोटल एनर्जी कॉन्फिगरेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. बट द मोमेंट वी इंट्रोड्यूस फ्यू मोर इलेक्ट्रॉन्स इनटू द सिस्टम, नाउ द टोटल एनर्जी कॉन्फिगरेशन विल बिकम डिफरेंट, ठीक है? और it will get affected for any electron, the total energy of that electron will now get affected by the nucleus as well as by the presence of the other electrons which are there in the atom. Are we getting this point? And therefore 4f 4d 4p and 4s of hydrogen atom are of equal energy. बट किसी भी और एटम का अगर हम लेकर के देखते हैं तो 4f 4d 4p एंड 4s जो होते हैं ये क्या होते हैं? इक्वल एनर्जी होते हैं, बट सॉरी डिफरेंट एनर्जी होते हैं, इक्वल एनर्जी नहीं होते. इक्वल एनर्जी हाइड्रोजन में होते हैं और बाकी सारे एटम में द मोमेंट यू चेंज द एल वैल्यू और एन वैल्यू द एनर्जी विल गेट डिफरेंट. हाइड्रोजन के साथ क्या है, एल वैल्यू चेंज करोगे तो चेंजेस नहीं होंगे, m वैल्यू चेंज करोगे तो चेंजेस होंगे. बात समझ में आ रही है? यस. ओके. अब मैं एक चीज यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है, लेकिन फिर से मैं एक चीज क्लियर कर दूं. देखो, ऐसे हाइड्रोजन एटम जो होगा उसके 4f जो होंगे और 4d के बीच में कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है? बट द मोमेंट वी अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी 4f से 4d ट्रांजिशन हाइड्रोजन एटम में अगर हो रहा है तो क्या कोई एनर्जी मिलेगा? क्या कोई लाइन मिलेगा? क्या इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, ठीक है? बट द मोमेंट यू अप्लाई द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 4f जो है ये पांच अलग अलग
एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और सॉरी सेवन में, और फोर डी वाला कितने में होगा, ये पांच में हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट ये है, ऐसे अगर सोचना चालू करोगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर एनर्जी मिलने के पहले, सॉरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले एनर्जी तो बराबर थी। सो इधर जो एफ वाले में जो सात क्रिएट हो रहे हैं और डी वाले में पांच क्रिएट हो रहे हैं, इनमें से कोई भी ओवरलैपिंग होगा क्या? तो ये एक्चुअली ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं होते हैं। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? दो दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम सेम एनर्जी वैल्यू, द डिफरेंशिएशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर इंटायरली डिफरेंट फॉर डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल कंपेयर टू एफ ऑर्बिटल, और अमंग देमसेल्फ ऑल्सो एफ का डिफरेंशिएशन डिफरेंट होएगा, पी का डिफरेंशिएशन डिफरेंट होएगा। तो यहां पर अगेन आपको एफ वाले में पांच अलग अलग मिलेंगे, सॉरी सात अलग अलग मिलेंगे, और डी वाले में पांच अलग अलग मिलेंगे, और इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा पांच और सात नंबर का, ठीक है। जैसे अगर मैं अगर एग्जांपल लेकर के बात करूं, तो सपोज हाइड्रोजन एटम के फोर एफ और फोर डी दोनों की एनर्जी जो आ रही है बिफोर मैग्नेटिक फील्ड, यानी फोर्थ ऑर्बिटल का फोर्थ एजीमुथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं, सपोज इट इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होएगा सात जो बनेंगे, वो मान लो 1-1 के डिफरेंस पर बनता है, स्प्लिटिंग होती है, सपोज 3.8, 3.9 या 3.7, 3.8, 3.9, 4, 4 या फिर ऐसे करते हैं थोड़ा सा 3.75, 3.85, 3.95, 4.05, 4.15, 4.25, मे बी इसका 4.20 ले सकते हैं और इसको ले लेते हैं 4.25। एक्चुअली थोड़ी सी गड़बड़ी रहेगी, हाँ अभी आई थिंक प्रॉपर वैल्यू आना, एक दो तीन चार पांच, हाँ अभी प्रॉपर वैल्यू आना चाहिए। एक्चुअली सम टोटल ऑफ ऑल डिजेनरेटेड ऑर्बिटल का एवरेज, इसका पूरा का एवरेज जो होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू दिस। ये इस तरह से ही बाइफरकेट होते हैं, देयर इज एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन विच टेक्स प्लेस, किसी में एनर्जी बढ़ जाएगी, किसी में एनर्जी कम हो जाएगी, बट एंटायर एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? I hope there is no issue in understanding this. Is it okay? Yes, sir. एक बार वापस से बताओ ना। नहीं वापस। Network issue है। नहीं नहीं वापस से क्या बताऊं, मैं सिर्फ यही बताया कि ये पांच अलग अलग सात अलग अलग एनर्जी में, 4F वाले की ओरिजिनल एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये सात अलग अलग एनर्जी ऑर्बिटल्स में ब्रेक कर जाएगा, और इनके एनर्जी सातों ऑर्बिटल के एनर्जी का एवरेज जो होगा, दैट हैव टू बी इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओनली, इट शुड नॉट बी। ये एक्चुअली है क्या, चार F जो है सात डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ठीक है। तो टोटल 28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के सात ऑर्बिटल्स हैं, बस उसमें ये है कि सारे का सारे ऑर्बिटल्स का एनर्जी जो है वो इक्वल है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑल हो जा रहे हैं,
इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो रहा है एंड दिस काइंड ऑफ लेवल्स आर बीइंग क्रिएटेड. ठीक है, डिफरेंशिएट जब कर रहे हैं वो एक दूसरे से इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो दे आर गेटिंग डिफरेंशिएटेड इन दिस टर्म्स. दिस टर्म्स मीन्स अब ये नंबर कैसे आया, तो ये बस ऐसे ही मैंने सोच के लिख दिया, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज नहीं है. बस मेरा बताने का मोटिव ये है कि ये इस तरीके से कुछ ऊपर कुछ नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अपने एवरेज वैल्यू से, सच दैट द एवरेज विल स्टिल रिमेन द सेम. दैट मीन्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड. व्हाट इज हैपनिंग इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज हैपनिंग. और 4D के लिए भी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा, बट यहां पर जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा ये 5 डिफरेंट होंगे. यहां पर जो डिफरेंशिएशन होएगा वो कुछ अलग होएगा, मे बी इट कुड बी समथिंग लाइक 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.9 तो यहां पर भी है, यहां पर 3.95 हो गया, 3.85 हो गया, और चूंकि 7.5 है, 3 है, 9 है, 3 हो गया, 1.5 and 0.2 का डिफरेंस हो गया, 0.38 ले नहीं सकते हैं. अच्छा 2 भी कॉमन हो जा रहा है ना, इसको 4.2 को रहने देते हैं, 4.3 ले लेते हैं, 4.1 ले लिया, 4.3 ले लिया, तो 3 और 1 4 हो गए, और इधर से दो हुआ है ना, तीन एक चार और दो यहां पर मिल गया हमको, दो का डिफरेंस 3.8 आ जाएगा, 3.8 नहीं चाहिए, ऑलरेडी टेकन है, 3.7 लेते हैं यहाँ पर, और इसको 4.4 कर लेते हैं. ठीक है, सो ये 4 एनर्जी ऑर्बिटल्स यहां पर मिल जाएंगे, या इस तरह से डिफरेंशिएट होएगा. नाउ द पॉइंट इज, हाँ इट इज ट्रू कि इधर जो डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा 3f 4f के लिए जो डिफरेंशिएशन मिलेंगे दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम 3d का डिफरेंशिएशन. और ऐसा क्यों मिलेगा, क्योंकि 4f का कोई भी ओरिएंटेशन 4d के किसी भी ओरिएंटेशन से मैच करेगा, एक ऑर्बिटल का करेगा z वाले का, तो जेड वाले की एनर्जी, बट साइज अलग अलग हो, साइज अलग अलग होंगे क्या, नहीं, एक का शायद एफ वाले में, हाइड्रोजन के एफ वाले और 4d का एक ऑर्बिटल जो होएगा ओरिएंटेशन वाला, शायद उसकी कॉमन हो सकती है, बट जनरली नहीं होती है. ये 7 अलग अलग में स्प्लिट करता है, ये 5 अलग अलग में स्प्लिट करेगा. तो हाइड्रोजन एटम का बेसिकली 4f से 4d ट्रांजिशन अगर हो रहा होगा इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल क्रिएट 0 लाइंस, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट नहीं होएगी. ठीक है, बट द मोमेंट वी आर गोइंग टू हैव ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, तो उनके प्रेजेंस में 4f से 4d के बीच में कितने ट्रांजिशन लाइंस आने लगेंगे, फिर से 35 आने लगेंगे, मैक्सिमम 35 लाइंस आपको फिर से मिलने लगेंगे. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की एनर्जी बराबर है, इसलिए देयर विल बी नो स्पेक्ट्रल लाइंस गेटिंग इमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन. किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए, बट बाकियों के लिए सॉरी, बट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो फिर से 7 और 5, 4f के 7 ऑर्बिटल्स एंड 4
डी के पांच ऑर्बिटल्स दे विल स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली विद डिफरेंट एनर्जीज, ठीक है, एंड देयरफॉर वी आर गोइंग टू हैव 35 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और 35 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस. एम आई मेकिंग सेंस? यस सर. वेरी गुड. हाँ बोलिए अनुश्रेष्ठ, कुछ बोल रहे हो? सर मैंने कुछ नहीं बोला. मुझे लगा कि आ रही है आवाज आपके तरफ से, तो इसलिए मैंने पूछ लिया. साउंड ब्रेक वगैरह होते रहता है ना सर. आवाज मुझे भी आई थी. हाँ एग्जैक्टली, तो तभी मुझे लगा, मैंने मतलब I got just carried away in the sense मुझे लगा कि वो ब्रेक हो रही है क्या, तो मैं पूछ लूं. ठीक है, so we will move on to the next slide. अच्छा एक second, discuss few more things. Degenerated orbitals क्या है? Orbitals having same n and l value but different m value, right ना? अब अगर कोई बोलेगा 3d x square minus y square और 3p x, तो क्या ये दोनों pair degenerated orbitals के हैं या नहीं है? Are these pair of degenerated orbitals or not? Hello. ये दोनों orbital degenerated हैं कि नहीं है? तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो? यस सर. वेरी गुड. तो क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? यहाँ हम सारे लोग पिकनिक पे आए हुए हैं, खाली सर बोलेंगे हम लोग सुनेंगे. थ्री डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड थ्री पी एक्स, आर दीज डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स और नॉट? डीजेनरेसी के लिए कंडीशंस क्या हैं? यस सर. क्या यस सर? ये है डीजेनरेटेड कि नहीं है? यस सर, खाली यस सर. है सर. है? कैसे है? डीजेनरेसी के लिए कंडीशन क्या है? व्हेन डू बी कॉल्ड ऑर्बिटल्स टू बी डीजेनरेटेड? यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू अलग होनी चाहिए. और क्या होना चाहिए? ये भी होना चाहिए ना? यस सर. इसके बगैर भी काम चल जाएगा.
होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो यहाँ पर है क्या? यस सर। नो सर। हाँ तो फिर ये डीजेनरेटेड होंगे? नो सर। हाँ तो अब इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों को, ठीक है? छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और इसमें हम लोग उलझ के गलतियां करेंगे। व्हाट इज डीजेनरेटेड ऑर्बिटल? बेसिकली जो भी डेफिनेशंस या बातें बताई जा रही हैं उसको कैच कर, मतलब उसको आपको समझना है, समझ के अप्लाई भी करना है, ठीक है? फिर से डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स के लिए की क्या है? एन एंड एल वैल्यूज का सेम रहना और एम वैल्यू सिर्फ डिफरेंट होना, तभी हम उनको डीजेनरेटेड बोलेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट बी डीजेनरेटेड, ठीक है? Yes, ओके। और एनर्जी वैल्यू, सॉरी, ये डीजेनरेटेड में कैरेक्टर भी सेम होना चाहिए। जैसे अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सर 3dx²-y² और 3px, ठीक है? अगर हम लोग क्या ये दोनों डीजेनरेटेड होंगे? ये दोनों भी डीजेनरेटेड नहीं होंगे क्योंकि एल वैल्यू दोनों की डिफरेंट है, ठीक है? अब फिर आपके दिमाग में आ गया ये कि सर हाइड्रोजन एटम में तो 3d और 3p की एनर्जी बराबर होती है, तो यहाँ पर तो डिफरेंशिएशन सिर्फ जो होगा वो सिर्फ डायरेक्शन की वजह से ही होगा, क्या इन दोनों को डीजेनरेटेड बोलेंगे? नहीं, इन दोनों को हाइड्रोजन एटम में भी डीजेनरेटेड नहीं बोलेंगे। दो 3d 3p की एनर्जी बराबर होती है, ठीक है, बट द कैरेक्टर ऑफ d एंड p आर डिफरेंट। d इज अ डबल लोब सिस्टम, ठीक है ना? d इज अ डबल लोब सिस्टम, वेयर एज p इज अ सिंगल लोब सिस्टम। ये सिंगल लोब सिस्टम है। नाउ इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी 3d एंड 3p की एनर्जी एक्सीडेंटली बराबर हो गई है, डिफरेंशिएट नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका एक वेरिएशन और इसका एक वेरिएशन दोनों सेम होगा, ठीक है? एक बैंगन के साथ ही सेम हो सकता है, एक भिंडी के साथ सेम नहीं हो सकता है, राइट? आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अ पंपकिन कैन बी कंपेयर्ड विथ अ पंपकिन ओनली, इट cannot बी कंपेयर्ड विथ अ कुकुम्बर, राइट? दे माइट हैव इक्वल वेट, राइट? दे माइट हैव इक्वल वेट, बट स्टिल दे cannot बी कंपेयर्ड टू बी सेम। क्लियर हो है आप लोगों के दिमाग में ना? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ता हूं। यस सर। सो यहां पर जस्ट लिख देता हूं सेम एन एंड एल वैल्यू बट डिफरेंट एम वैल्यूज। अरे हाँ, मैंने the degenerated orbitals get differentiated in terms of energy in presence of external magnetic or electric field. ड्राइव, गूगल ड्राइव से वो तब तक डिलीट नहीं करूंगा जब तक उसको यूट्यूब पर अपलोड ना कर दिया हो, ठीक है? YouTube मतलब एक वर्जन जो रहेगा कहीं ना कहीं रहेगा, या तो ड्राइव में रहेगा नहीं तो YouTube पर रहेगा। अभी ड्राइव में से क्वालिटी सही है, क्वालिटी सही है मतलब, अरे वो तो जैसे 720 मेगापिक्सल पे चलता है।
अरे वैसे नहीं, वो रिकॉर्डिंग प्रॉपर हर जगह पे नहीं है ना, उस सेंस में मैं बोल रहा हूँ। बाकी तो जैसा रिकॉर्ड हो जाएगा वैसे। द डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स गेट डिफरेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दिस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक एंड फील्ड्स। अच्छा, जस्ट अब फिर से आप लोगों का एक ट्रिवियल क्वेश्चन पे मैं ले टेस्ट ले लेता हूँ। हाइड्रोजन एटम के टोटल कितने ऑर्बिटल्स का एनर्जी, टोटल कितने ऑर्बिटल्स का एनर्जी 4s के एनर्जी के बराबर होगा? हाइड्रोजन एटम में टोटल कितने ऑर्बिटल्स की एनर्जी 4s के एनर्जी के बराबर होगी? कैन यू काउंट ऑन योर फिंगर्स एंड लेट मी नो। फोर फोर कैसे? अच्छा, फोर एस के बराबर वाले कौन कौन से होंगे? फोर एस के बराबर कौन कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी होएगी? यार तुम लोग बिल्कुल दिमाग नहीं चला रहे हो अपना, एकदम सो जाते हो। सुबह सुबह में नींद आते रहती है क्या? हेलो। सर 3p। सर अबे 4s के बराबर 3p कैसे रहेगा? फोर एस के बराबर 4p, 4d, 4f, ये चारों रहेंगे ना, बट टोटल ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे जिनकी वैल्यू, जिनकी एनर्जी वैल्यू 4s के बराबर रहेगी? इसका कितना ऑर्बिटल रहेगा? एक रहेगा। इसका कितना ऑर्बिटल रहेगा? तीन रहेगा। इसका कितना रहेगा? पांच रहेगा। इसका कितना रहेगा? सात रहेगा। 7 5 12 3 15 1 16, टोटल 16 ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी एनर्जी 4s के बराबर रहेगी, राइट ना? हाइड्रोजन एटम में यस सर। अरे क्या, यस सर, ये क्वेश्चंस तुम लोग खुद से नहीं कर पा रहे हो। अब मुझे तो लग रहा है कि लानत है मेरे पढ़ाने पे। हाँ, ऐसे कैसे चलेगा? दिस इज रेडिकुलस।
हाँ दूसरे मेटल्स के लिए डेफिनेटली अलग रहेगा, क्योंकि इन सब का वैल्यू वैल्यू बराबर नहीं रहेगा ना। अब अगर हम लोग जैसे हाइड्रोजन के बदले हीलियम पर ही आ जाते हैं, तो हीलियम का 4s का एनर्जी विल बी डिफरेंट फ्रॉम 4p का एनर्जी, विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम 4d का एनर्जी, विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम 4f का एनर्जी। यहाँ पर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स यही 5 रहेंगे, यही 3 रहेंगे, ये 4 एक रहेगा, और ये 7 रहेंगे इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन प्रेजेंस ये भी डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, एच वाले में थोड़ी सी डिफरेंट रहता है, थोड़ा डिफरेंट रहता है वो, चूंकि दो इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके 4s 4p 4d 4f सारे बराबर रहेंगे। और हर में कितने ऑर्बिटल्स हैं, इसमें एक ऑर्बिटल है, इसमें 3 ऑर्बिटल है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, तो टोटल 16 ऑर्बिटल के। सिमिलरली 3 वाले में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3s के बराबर एनर्जी वाले कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे, ये तो काउंट करके बताओ। सर एच के ना हाँ एच के ऑब्वियसली। पहला वाला क्वेश्चन नहीं आंसर करके बहुत डिसअपॉइंट किया तुम लोगों ने। सर एच का 1 ऑर्बिटल रहेगा ना हाँ एच का तो एक ही रहेगा ना। और 3s का 3 ऑर्बिटल 3s के 3 ऑर्बिटल मतलब अरे इसका तो आंसर 16 ही आएगा ना। 16 कैसे होगा, काउंटिंग बिल्कुल भूल गए हो तुम लोग। अब ABCD मुझे पढ़ाना पड़ेगा तुम लोगों को। थ्री में एफ ऑर्बिटल होगा, आ नो नाइन सर नाइन नाइन बिल्कुल ठीक है। नाइन कुछ यस चीज सर बातें समझ में आई हम लोगों को, यस सर वेरी गुड नाइस। एक सेकेंड रुक जाओ। सो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, स्प्लिटिंग के बारे में हम लोगों ने जान लिया, स्टार के इफेक्ट और ये जो हुआ वो ये एक्सप्लेन हो गया। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सो दिस एक्सप्लेन्स स्टार्क एंड जीमैन जीमैन इफेक्ट। एक्चुअली जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट होता है, जीमैन इज मैग्नेटिक एंड स्टार्क इज इलेक्ट्रिक। चलेगा, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर हमको काउंट करना हो, तो फॉर एनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो हाउ डू वी प्रोसीड। बेसिकली किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल एल्स कितने होंगे, इट विल बी इक्वल टू एन, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1, राइट ना। द वैल्यूज विल बी समथिंग लाइक दिस, 0, 1, 2,
अप टू एन माइनस वन नंबर ऑफ पॉसिबल एम्स कितने होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग वन वैल्यूज क्या होएगा, ओनली जीरो, इसके करस्पॉन्डिंग थ्री, राइट, माइनस वन जीरो एंड वन, इसके करस्पॉन्डिंग फाइव, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, राइट, इसके करस्पॉन्डिंग टू इंटू एन माइनस वन प्लस वन एंड विल माइनस एन माइनस वन कीप ऑन इंक्रीजिंग जीरो कीप ऑन इंक्रीजिंग अप टू एन माइनस वन. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहां पर टोटल ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल का काउंट्स क्या हो जाएगा? इट विल बी सम टोटल ऑफ ऑल दीज नंबर्स, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस अप टू टू इंटू एन माइनस वन प्लस वन, राइट. This can be written as 2n minus 1. Sir, ये 2n minus 1 plus 1 नहीं समझा. अरे ये कैसे बना है? 2 into 1 plus 1. तो यहाँ पर जो भी हमारा possible value of l है, उसमें 2 से multiply करके एक add कर दिया. 2l plus 1 ही होता है ना इसका number. For any given l, the number of possible m's are 2l plus 1. ठीक है ना? Yes, तभी तो p ऑर्बिटल के तीन डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स आए थे. ठीक है, सो अभी फॉर एनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एंड्स विल बी हाउ मच, द सम टोटल ऑफ दिस. ठीक है, और सम टोटल ऑफ दिस जो है ये क्या होगा? एपी जीपी हम लोगों ने निकालना सीखा है क्या? Are we aware of AP GP? सर AP सीखा है. AP करा दिया है सर ने? नहीं, स्कूल में सीखा था. हाँ सर, अभी जस्ट हुआ है. अच्छा हो गया है, वेरी गुड. सो इसका समेशन निकालिए फिर आप लोग. GP बचे. GP छोड़ दो, AP है ना, ये तो AP सीरीज ही है ना. Yes. So please do the needful to find out the summation. क्या आएगा? सारे लोग कैलकुलेट कर रहे हो ना? यस सर. गुड.
ये क्या लिखा है आपने दीप? सर एन अपॉन टू ब्रैकेट में एन, मतलब एन स्क्वायर बाय टू बोल रहे हो? हाँ नहीं, एन स्क्वायर बाय टू नहीं होगा। थोड़ा सा चेक करो अपने आंसर को प्रॉपरली। एन स्क्वायर बाय टू इज नॉट द आंसर। क्लोज है बट इट्स नॉट। सर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर आ रहा है आपका? यस सर। ओके, बाकी लोगों का संदीप? यस। आपका क्या आया? सर एक बार बताइए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आज नेटवर्क इशू बहुत है। कोई नहीं, ये समेशन जो लिख रहे थे ये वाला चीज समझ में आया आपको? ये जो बना रहा था किसी भी पॉसिबल किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए पॉसिबल एल की वैल्यू क्या होएगी और हर एल के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पॉसिबल एम्स क्या होंगे, और इन एम को अगर मैं ऐड कर देता हूँ पॉसिबल नंबर ऑफ एम्स को, तो दैट इज दे आर बेसिकली इंडिकेटर ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, राइट? किसी भी एजीमुथल क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग कितने ऑर्बिटल्स होंगे उसी का इंडिकेटर है ना नंबर ऑफ एम्स, और किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ कितने एजीमुथल क्वांटम नंबर अटैच्ड होंगे वो नंबर ऑफ एल से हमको पता चलता है। तो किसी भी एन के लिए कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो कैसे हमको पता चलेगा? वन से लेकर के टू इंटू एन माइनस वन प्लस वन को अगर सम अप हम कर देते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। Is it okay? Yes, sir. बस वही करने के लिए मैं भी बोल रहा हूँ आपको, और वो समेशन निकालने के लिए इस तरह की एक मतलब ये यही होगा ना, इन सबको ऐड किया तो इस तरह का दिखेगा। फिर मैंने ये पूछा कि एपी जीपी आप लोगों ने किया है, तो आप लोगों का आंसर था कि हाँ सर एपी किया है, तो एपी किया है तो ये एक सीरीज है, इसका समेशन आपको निकाल। So Anush is getting n square and Deep is getting n square by 2. Deep, आपने आंसर मॉडिफाई किया क्या? ओके, ठीक है। So Deep का भी n square आया। हाँ सर n square किया उसने। किया नहीं, आया कि नहीं आया? हाँ हाँ आंसर आ गया। मतलब n square नहीं किया, मतलब मॉडिफिकेशन कैलकुलेशन मिस्टेक को किया आपने तो फिर आपको n square आ गया, राइट? ठीक है। ये एपी सॉल्व नहीं हो रहा है संदीप आपसे, इस एपी को देखो अभी केमिस्ट्री से बाहर निकल जाओ, ये मैथमेटिक्स, ये जो एपी है ये आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? संदीप? यस। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, ये एपी सॉल्व नहीं हो रहा है।
आपने एपीजीपी के लेक्चर्स नहीं किए हैं क्या? देखिए ये सीरीज जो है इसका आधे किए थे मतलब, तो अभी जो हो रहा है उसको अटेंड नहीं कर रहे हो? सर तो नेटवर्क इशू था इसलिए मैं लीव हो गया था। नहीं तो एक ही दिन में ये पूरा थोड़ी ही कराया होगा, उन्होंने पार्ट वाइज कराया होगा ना, जैसे आखिरी दिन में तो क्वेश्चंस कराया होगा, तो एक ही दिन हुआ है कि हर दिन ऐसे हो रहा है कि नेटवर्क इशू की वजह से आप नहीं कर पा रहे हो? नहीं सर एक ही। नहीं तो एक दिन में पूरा थोड़ी सिखा दिए होंगे बच्चा, ये लॉजिक तो गड़बड़ है, या एक ही लेक्चर अभी तक हुआ है? सर तीन हुए हैं। तीन हुए हैं ना, तो तीन सर, में तीन चार हुए हैं एग्जैक्ट याद नहीं। पार्ट वाइज करके उन्होंने सिखाया होगा चीजों को, इट शुड हैपन। मतलब एक लेक्चर में प्रॉब्लम की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अप्रोच ही नहीं पता होगा। सर अभी जीपी चल रहा है, पी खत्म हो गया। हाँ एग्जैक्टली तभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाउएवर देखो यहाँ पर कोई भी मतलब कोई भी सीक्वेंस होती है एपी की, तो जनरल चीज ये होती है कि यू हैव टू जनरेट द आर्थ टर्म। आर्थ टर्म, तो आर्थ टर्म के लिए यहाँ पर द एक्सप्रेशन विल बी 2R-1। ये लास्ट वाला टर्म है, एन को आर से रिप्लेस कर दोगे तो जनरल टर्म मिल जाता है, एंड जनरल टर्म का समेशन लेना होता है। लिमिट्स हमको ध्यान से सोचनी होती है कि क्या लेंगे, ठीक है। तो लिमिट्स मतलब आर, पहले आर इसके लिए क्या है, दिस इज फर्स्ट टर्म, तो आर की वैल्यू है 1, और ये क्या है फाइनल एंथ टर्म है, आर की वैल्यू क्या है, आर इज इक्वल टू एन, ठीक है। तो दिस कैन बी, दिस समेशन कैन बी देन रिटन एज summation of 2 into r minus summation of 1, r is equal to 1 to r is equal to n, r is equal to 1 to r is equal to n, iska summation jo hoga this will be equal to 2 into natural numbers ka sum jo hota hai, that is n into n plus 1 by 2, this will get cancelled, ये वाला पार्ट जो होता है ये होगा सम n, so it will become n square plus n minus n, ये cancel होकर के n square हो जाएंगे, so the total number of orbitals associated with any of the n will be equal to how much, n square, ठीक है। अब इसमें कुछ variations हो सकते हैं, अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए द रिलेशनशिप अभी जो है एल का वो क्या है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड रनिंग टिल एन माइनस वन, तो हमारा ये रिलेशनशिप है। अब अगर आपको ये बोल दिया जाए कि द नंबर ऑफ पॉसिबल एम जो है दैट इज बीइंग गिवन बाय 2L ओनली, 2L प्लस 1 ओनली, ठीक है, बट ये वाला रिलेशनशिप जो है वो चेंज हो जाता है, द वैल्यू ऑफ एल स्टार्ट्स फ्रॉम 1 and goes up to n instead of 0 to n minus 1, ठीक है। इसकी वजह से ये altered values जो होंगे 1 to n वाला, इसके corresponding how many total orbitals will you have if the relationship, this relationship l से m का relationship अगर same रहेगा, तो इस change scenario में how many orbitals will be there for any given principal quantum number, can we find that? Now this definition will get altered
वन के लिए क्या हो जाएगा, तीन ऑर्बिटल हो जाएंगे, टू के लिए क्या हो जाएगा, फाइव ऑर्बिटल हो जाएगा, इसके लिए टू एन प्लस वन हो जाएगा, राइट? सो यू विल हैव टू टेक अ समेशन इन अ चेंज्ड एनवायरनमेंट. इंस्टेड ऑफ 1, 3, 5 इट विल बिकम व्हाट, 3 + 5 + 7 अप टू 2n + 1, एंड यू हैव टू टेक अ समेशन ऑफ दिस. ठीक है, इसका सम क्या होगा ये आपको करके बताना है. दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. कैन वी डू दैट? आई थिंक वी कैन डू दैट. इट विल बी n² + 2n, राइट? यस सर, यस. ठीक है ना, इतने डिफरेंट ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, अभी n स्क्वायर ऑर्बिटल हो रहे हैं. एनीवे, सो इस तरह के वेरिएशंस जो किए जाएंगे उसके हिसाब से हम लोग अकॉर्डिंगली अडेप्ट करके और आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का, राइट? और यहां पर कैसे हुआ है, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद एनी गिवन ऑर्बिट नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी हाउ मच, एन स्क्वायर. तो ये यहां पर लिख लेते हैं, फॉर एनी PQN टोटल ऑर्बिटल्स having same PQN value will be n square. और ये आया कैसे है, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू वन टू आर इज इक्वल टू एन टू आर माइनस वन से. ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर. हाँ, और टाइम कितना हो गया, 10 बज गया. ठीक है, लेट अस टेक अ ब्रेक टुडे. कल के दिन में मैं अब इसके आगे मैं लेकर के चलूंगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर, सॉरी ये स्पिन क्वांटम नंबर. तो स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, स्पिन क्वांटम नंबर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. और उसके आगे फिर मैं ये बताऊंगा कि what is the significance or what are the different informations which psi curves can give or psi ka expression can give to us. theek hai, to psi ke upar mein hum log agle 2-3 lecture mein discuss karenge. doubt lecture evening mein hoega bachcha, maybe friday ko hoega, friday ko lunga. मे बी इसलिए क्योंकि अभी अब मुझे मोल कॉन्सेप्ट वाले 3-4 लेक्चर जो है इनको लेकर के लाइन में खत्म करना है. सो मोस्टली फ्राइडे को लूंगा मैं. और फिर से हम लोग अपना अपडेट देना भूल गए हैं, कल हम लोगों ने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है सर. आज पक्का नहीं, ऐसे वर्बली नहीं बताना है, आप लोगों को डेली रात को लिख के भेजना है, मतलब लिख के भेजना है. फोटो भेजनी है के मैसेज क्या सर? फोटो भेजनी है के मैसेज? फोटो नहीं, मैसेज भेजना है कि इतने क्वेश्चंस किए. वो रिकॉर्ड मेरे पास रहना चाहिए, आपके पास भी रहना चाहिए. ठीक है, कि आपने इतना सॉल्व किया, डाउन द लाइन अगर कभी एनालिसिस करने बैठो कि इस महीने में या इस हफ्ते में मैंने कितने क्वेश्चंस किए, तो वो एक ग्राफ होना चाहिए जिससे आपको पता होना चाहिए और कितने दिन मटर गस्ती करी आपने. Is it?